लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं साक्षी। राजनीति में अक्सर विरोधी दलों के नेताओं की मुलाकात सुर्खियां बन जाती है। ऐसी एक मुलाकात प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुई, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये मुलाकात प्रदेश के उच्च शिक्षा और खेल मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बीच हुई। जीतू पटवारी स्वयं साइकिल पर सवार होकर सुमित्रा महाजन के मनीषपुरी स्थित उनके निवास पर पहुंचे, जहां बंद कमरे में उनकी करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि जीतू पटवारी और सुमित्रा महाजन दोनों इसे सौजन्य मुलाकात बता रहे हैं। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर की जनता ने ताई को हमेशा पसंद किया है और उनका लंबा और एक अच्छा राजनीतिक अनुभव रहा है। ऐसी राजनीतिक शख्सियत हमारे शहर में है, ऐसे में एक अच्छे जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि उनसे अनुभव और मार्गदर्शन ले। पटवारी ने बताया कि शहर के विकास उनके विभाग को लेकर उन्होंने सुमित्रा महाजन से चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। हमारे शहर के एक सम्मानित राजनेता होने के साथ 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 देश की राजनेता, और जनता ने उनको रिजेक्ट नहीं किया। उनने एक बड़े मन से राजनीति में, जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में कोई पद को छोड़ना होता है, त्याग की भावना से वो काम किया, उदाहरण पेश किया। हम जैसे कार्यकर्ताओं, हर पार्टी के कार्यकर्ता के, मैं चूंकि इसी शहर का जनप्रतिनिधि हूँ, ताई सक्सेस एक राजनीतिक कार्यकर्ता रही है, कई बार सांसद रही है, देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। मेरा दायित्व है कि मैं उनसे मार्गदर्शन भी लूँ, सीखूँ भी सही, कोई काम के बारे में उनसे डिस्कशन भी करूँ, और एक सकारात्मक राजनीति की पहल के स्वरूप में मैं आज उनके पास गया था। बहुत देर बैठा, बहुत सी बातें करी, इंदौर शहर के विकास की बातें करी, आने वाले मेरे विभाग के संदर्भ में उनके जो सजेशन थे वो भी बातें आई, सही समय पे आपको अवगत करा दिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।